सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्लच लेसिंग। आज हमारे सामने है टाटा टिगोर। 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है टिगोर, XE, XM, XZ एंड XZ प्लस। आज हम देखने वाले हैं टाटा टिगोर XZ प्लस मैनुअल। ऑल्सो AMT में भी अवेलेबल है XZ प्लस। XZ प्लस वेरिएंट का एक्स शोरूम डेली प्राइस है 7.21 लाख रुपीज़ एंड ओवरऑल प्राइस इन डेली इज अप्रोक्सीमेटली 8.1 लाख रुपीज़। सो स्टार्ट करते हैं कीस से। स्मार्ट कीस मिल जाएंगे आपको टिगोर में। स्मार्ट कीज़ के ऊपर मिलते हैं लॉक, अनलॉक, बूट अनलॉक एंड फॉलो मी होम एडलाइंस के बटन। गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो ग्रिल आपको ट्राई है तो डिज़ाइन में मिलती है विद क्रोम इंसर्ट्स एंड ऑल्सो ग्रिल के नीचे ह्यूमैनिटी लाइन भी मिल जाती है विद क्रोम फिनिश जो कि हेडलाइट्स तक कंटिन्यू होती है एंड ऑल्सो लोअर ग्रिल के ऊपर भी क्रोम स्ट्रिप्स दी गई हैं। फॉग लैंप्स आर रिफ्लेक्टर बेस्ड एंड फॉग लैंप्स के अराउंड भी क्रोम वर्क किया गया एंड ऑल्सो DRLs भी मिल जाएंगे आपको XZ प्लस में। हेडलाइट्स की बात की जाए तो हेडलाइट्स आर रिफ्लेक्टर एज वेल एज प्रोजेक्टर बेस्ड एंड ऑल्सो इंडिकेटर भी रिफ्लेक्टर बेस्ड दिया गया है। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। नाउ दिस इज द साइड लुक ऑफ टाटा टिगोर। एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे आपको XZ प्लस में। एलॉय व्हील्स आर डुअल टोन मल्टी स्पोक डायमंड कट एलॉय व्हील्स एंड एलॉय व्हील्स का साइज है 175x60R15। साइड इंडिकेटर इज ऑन ORVMs। ORVMs आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं एंड डोर हैंडल्स पर भी क्रोम फिनिश की गई है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएंगे एंड ऑल्सो क्रोम विंडो गार्निश भी की गई है। अब चलते हैं टिगोर के बैक प्रोफाइल की तरफ। टिगोर की लुक रियर से इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगती जितनी फ्रंट से लगती है। रियर विंडशील्ड पे डी फोकस दिया गया है। हाई स्टॉप लैंप स्पॉइलर पे मिल जाएगा एंड शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है एंड टेल लाइट्स की बात की जाए तो टेल लाइट्स आर LED बेस्ड। सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको रियर में एंड ऑल्सो बूट डोर पर भी एक काफ़ी मोटी क्रोम की स्ट्रिप दी गई है। रियर कैमरा यहाँ प्लेस्ड है एंड बूट ओपन करने के लिए इलेक्ट्रिक बटन दिया गया है। बूट का साइज है 419 लीटर्स एंड बूट में लगेज लैंप भी दिया गया है एंड स्पेयर व्हील आपको स्टील रिम में दिया गया है। 14 इंचेस का मिलता है स्पेयर व्हील। अब चलते हैं टिगोर के इंटीरियर की तरफ। डुअल टोन इंटीरियर मिलता है विद ग्रे एंड स्लेट कलर्स। डोर पे दिए गए कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल। चार पावर विंडोज़ मिलती हैं आपको XZ प्लस में। ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन का फीचर मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा चाइल्ड लॉक बटन। डोर हैंडल्स आर इन क्रोम एंड ऑल्सो ग्रैब हैंडल के ऊपर भी पियानो ब्लैक फिनिश की गई है और यहाँ पे मिल जाएंगे आपको ORVMs के कंट्रोल। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं आपको ORVMs एंड ऑल्सो रिट्रैक्टेबल मिलते हैं ORVMs एंड AC वेंट्स आपको बॉडी कलर मिलते हैं एंड ऑल्सो AC वेंट्स के अराउंड भी क्रोम वर्क किया गया है। यहाँ पे पर्स वगैरह रखने के लिए कंपार्टमेंट। अब बात करें स्टेयरिंग व्हील की। लेदर रैप नहीं मिलता आपको स्टेयरिंग व्हील। लेफ्ट साइड मिल जाएगा आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स एंड राइट साइड किसी टाइप के बटन्स नहीं दिए गए। स्टेयरिंग व्हील की एडजस्टेबिलिटी की बात करें तो सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल मिलता है स्टेयरिंग व्हील। इट्स कैपेबल फॉर ओनली हाइट बट नॉट फॉर रीच एंड हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो टिगोर में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। लेफ्ट साइड टैकोमीटर, राइट साइड फ्यूल गोज एंड बीच में MID दी गई है। MID में मिल जाएंगे आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप्स, एवरेज, डोर इंडिकेटर, टाइम एंड अदर इन्फॉर्मेशन। इस बटन से ट्रिप सेट कर सकते हैं आप एंड इस बटन से टाइम सेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर नहीं दिया गया एंड राइट साइड हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर नहीं मिलता आपको XZ प्लस में। कुछ इग्निशन बटन यहाँ पे दिया गया है एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको मिल जाएगी 7 इंचेस की टच स्क्रीन। इंफोटेनमेंट सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्ट नेक्स्ट ऐप। टोटल 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्वीटर्स दिए गए हैं आपको कार में। हारमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है आपको टिगोर में। यहाँ पे मिल जाएंगे आपको फॉग लैंप्स, लॉक अनलॉक एंड बूट अनलॉक के बटन्स। ऑटोमेटिक सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। लेफ्ट साइड फैन स्पीड के लिए नॉब एंड राइट साइड टेम्परेचर के लिए नॉब दिया गया है। और यहाँ पे मिल जाएंगे आपको USB और 12V सॉकेट, फोन वगैरह रखने के लिए कंपार्टमेंट। 5 स्पीड मैनुअल के साथ मिलती है आपको टिगोर। तो चलिए अब देख लेते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी। नॉर्मल क्वालिटी मिल जाती है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की। एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ मिलता है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा। यहाँ पे मिल जाएंगे 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है एंड वैसे 12V चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। मैनुअल डिमिंग IRM दिया गया है। को ड्राइवर साइड वैनिटी में तो मिल जाएगा एंड ऑल्सो ड्राइवर साइड भी वैनिटी में तो दिया गया है। अब देख लेते हैं टिगोर का ग्लव बॉक्स। टिगोर में आपको काफ़ी बढ़िया साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाता है। कूल्ड मिलता है ग्लव बॉक्स एंड ऑल्सो ग्लव बॉक्स में एक शेल्फ भी दी गई है। अब सीट्स की बात करें तो फ्रंट सीट्स एडजस्टेबल हैं। ड्राइवर सीट 8-way एंड को ड्राइवर सीट 6-way एडजस्टेबल है। हाइट एडजस्ट करने के लिए लीवर। अब चलते हैं बैक सीट्स पे। पावर विंडो के लिए बटन, डोर ग्रैब करने के लिए स्पेस, ट्वीटर्स एंड क्रोम डोर हैंडल्स, बोतल होल्डर एंड पॉकेट्स। अब देख लेते हैं टिगोर का कैबिन स्पेस। इतना खास कैबिन स्पेस देखने को नहीं मिलता आपको टिगोर में।
बट एवरेज हाइट के पर्सन के लिए सफिशियंट है। एंड ऑल्सो रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट मिल जाएगा। टिगोर में सिर्फ सेंटर में एक रीडिंग लैम्प दिया गया, फ्रंट पैसेंजर्स के लिए रीडिंग लैम्प नहीं दिए गए। रियर सीट्स के हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड है। एंड ऑल्सो रियर पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट भी दिया गया विद टू कप होल्डर्स। अब देख लेते हैं टिगोर का इंजन भी। सो द इंजन ऑफ फोर्डिंग टाटा टिगोर इज 1.2 लीटर्स 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि पावर निकालता है 84 BHP एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 113 Nm। बोनट इज इंसुलेटेड। सेफ्टी की बात की जाए तो 4-star रेटेड मिलती है आपको टिगोर। एंड सेफ्टी फीचर्स में मिल जाएंगे आपको 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटिंग इंटरवल, फॉलो मी होममेड लैंप्स एंड मैनी मोर। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं आप, एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। थैंक यू।